को 4 से 5 महीने हो रखे हैं और 4,500 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, इतना सपोर्ट करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसे आपका प्यार बना रहे इसकी मैं उम्मीद करती हूँ। हाई फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सुबह के रसोईयन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज की छोटी सी एक ब्लॉग है और मंदिर जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सब लोग नहा धोकर तैयार हैं, साड़ी वगैरह मैंने भी पहन ली है। नहा धोकर उसके बाद मैं घर वालों को नाश्ता करा दूंगी और उसके बाद हम लोग नाश्ता वहीं जाके करेंगे मंदिर के दर्शन करने के बाद। और आप भी दर्शन जरूर कर लीजिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर है हमारे यहाँ से थोड़ा ही दूर है, तो मैंने यहाँ पे तैयारी कर ली है। अभी हम निकलने वाले हैं थोड़ी ही देर में, तो आप भी जरूर दर्शन कीजिए। ये मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा लंच रख दिया है क्योंकि अभी खाया नहीं है, बच्चों ने भी नहीं खाया, वहाँ जाने के बाद ही खाएंगे। तो ये देखिए रोड के दोनों तरफ हमारे यहाँ पेड़ पौधे और बीच में रोड है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे चलना। पहुँचने ही वाले हैं हम, बस दिख रहा है मंदिर दूर से। हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी हमेशा आपके भंडारे खड़े रखें। और ये बच्चे भी हमारे उतर रहे हैं, उसके बाद हम दर्शन करेंगे। आप भी वीडियो के माध्यम से दर्शन वाला रास्ता था, लेकिन हम थोड़ा ही आगे निकले हैं, स्कूटी हमने अंदर कर ली है गेट से। और यहाँ से रास्ता भी बढ़िया है और दोनों तरफ हरियाली बहुत ही सुंदर हो रखा है अंदर के लिए। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, गार्डन बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए बहुत हरियाली भी है, बच्चे भी यहाँ फोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अच्छा भी लग रहा है ना यहाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसी जगह पे आके ना सुकून मिलता है मन को। तो ये देखिए इस तरफ अंदर को मंदिर है और इस तरफ भी आपके गार्डन बना हुआ है, दोनों तरफ हरियाली है। और उस तरफ देखिए फूल लगाए हुए हैं बहुत सुंदर सुंदर से। उसके बाद हम चलते हैं मंदिर में। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सोलह चले हैं। ये हैं शनि बाबा, शनि महाराज के दर्शन कर लीजिए। जय शनिदेव, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, हर हर महादेव और जय विष्णु नारायण जरूर लिखिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिए। और ये रही हमारे मंदिर की हरियाली, बच्चे भी आ रहे हैं, जूते चप्पल उतार रहे हैं। और ये देखिए लोग यहाँ पर फोटोज वगैरह खिंचा रहे हैं। मंदिर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन मंदिर बिल्कुल सुना सुना सा खाली सा है और नया मंदिर है, इसलिए यहाँ पर भीड़ कम लगी रहती है। पंडित जी हमें टीका वगैरह लगाएंगे इन्होंने। और ये देखिए दर्शन कर लीजिए चरणों को स्पर्श करते हुए। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान जी, अच्छे से दर्शन कर लीजिए। उसके बाद देखिए जय बजरंगबली है, बजरंगबली के दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए वीडियो के माध्यम से ही। और ये देखिए इसके बाद हम चलेंगे इस तरफ को। कितना शांत वातावरण है यहाँ पर, बिल्कुल शांति है, लोग भी नहीं है ज्यादा, बस एक दो लोग ही थे जिस टाइम पर हम आए थे, वो भी जा रहे थे उस टाइम पे। और ये देखिए इस तरफ को आम के बगीचे है, बिल्कुल हरियाली हरियाली है चारों तरफ मंदिर के। और इनमें भी फूल लग रहे हैं क्योंकि अभी इनका आम का टाइम आ रहा है, तो फूल लग के बिल्कुल लदे हुए हैं पूरे फूलों से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए इधर को भी उधर को भी हर तरफ को फूल ही फूल और आम के पेड़ के। यहाँ पे हमें मिल गए हैं नंदी बाबा, नंदी बाबा को प्रणाम करेंगे। तो जो है नंदी बाबा के कान में बोली जाने वाली विश जो है पूरी होती है, सिद्धि तक हमारी बात जरूर पहुँचाते हैं ये मान्यता है। तो इसलिए बच्चे बड़े सभी अपनी अपनी मनोकामना उन तक पहुंचा रहे हैं और मेरी मनोकामना जिस दिन पूर्ण होगी तो मैं आपको भी जरूर शेयर करूंगी। आप भी कभी जाएंगे शिव जी के मंदिर तो नंदी बाबा के बाएं कान में जरूर अपनी मनोकामना बोलें और वो शिव जी तक आपके पास जरूर पहुंचेंगे। भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए और बाकी सभी गणेश जी और सरस्वती माता, सूर्य देवता सभी के दर्शन कर लीजिए, शिव जी के दर्शन कर लीजिए। और ये कौन से भगवान जी हैं? गौरा माता हैं वो। और ये कौन से भगवान जी हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जिनको समझ में आएगा वो मेरे को जरूर बताइए। ये तो सरस्वती माता है और देखिए दर्शन कर लीजिए। उसके बाद
बाद हमने सभी भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं, सभी को प्रणाम कर लिया, क्योंकि सुकून के साथ ही हम मंदिर में पूरा टाइम के देते हुए आए हैं। अगर मंदिर को भी जाना है तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर टाइम है तो आराम से दर्शन करने के बाद आराम से सुकून के साथ तसल्ली के साथ हमने मंदिर के दर्शन करने चाहिए। ये मौका बार बार तो आता नहीं है। और बच्चों को ले जाने से भी ये होता है कि बच्चे बचपन से ही सीखते हैं मंदिर जाना, और तो उनमें थोड़े से संस्कार आते हैं इस तरह से। उसके बाद हम जल चढ़ा देंगे और उसके बाद चलते हैं अपने भगवान जी के दर्शन करने के लिए। देखिए बाहर का नज़ारा देख लीजिए और लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन कर लीजिए फिर से एक बार। उसके बाद हम बाहर को चलते हैं और बाकी चीज़ें दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हम यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। अब मैंने बच्चों से पूछा उनको कैसा लगा। देखिए हमें टीका लगा है पंडित जी ने जो त्रिशूल से, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। और ये देखिए बच्चों को भी लगा रखा है। बच्चों को पूछा मैंने कैसा लग रहा है तो बच्चे बोल रहे हैं हमें बहुत अच्छा लगा, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ही अच्छा लगा। मंदिर आप जाइए इस मंदिर में, अगर यहीं पर रहते हैं तो आसपास में तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आके हरियाली भी बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर फोटोज वगैरह खिंचा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने भी फोटोज खिंचाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए तैयार हैं, बच्चों के साथ हम भी फोटो खिंचाएंगे। फाइनली मैंने ये वाला अपने ले लिया है। थैंक यू वीडियो में बने रहने के।